एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ट्रकों में कोयले की लूट की खबर तो हमने आपको दिखा दी, अब एक और खबर दिखाते हैं कि कैसे एक डाकू वाल्मीकि बनता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक शख्स है जिनके पास खान निरीक्षण का जिम्मा है। अब वही शख्स पहले घूसखोरी की बात करते हैं और उसके बाद फिर साधु भी बन जाते हैं, कैसे आपको समझाते हैं। चाईबासा से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जहां बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खान निरीक्षक का ऑडियो जारी हुआ है जिसमें वो बालू तस्कर से ट्रक पार करवाने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मगर इस ऑडियो के जारी होने के बाद खान निरीक्षक का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब उनका कहना है कि तस्कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए पूरे मामले को इस रिपोर्ट के जरिए। बोले तो अपने ही किताब को बोले कॉल कर लेंगे, इसलिए कर लिए। बोलिए बोल रहे किताब देगा, आप बोलिए ना, आप तो बोलिएगा नहीं तो फिर आप हम कैसे बोलेंगे सर, बताइए आपका चीज आप बोलिएगा ना। 10 देगा, 10 मतलब 10 10,000 पर गाड़ी, 10,000 पर गाड़ी। हाँ सर चलान में चलेंगे सर। हाँ बोले तो तुम ही लोग बताओ तब क्या दोगे, तुम लोग ही लोग बताओ, तुम ही लोग दो नहीं सर, 10 गाड़ी चलाएंगे सर, 10 गाड़ी से 11 गाड़ी नहीं रहेगा, 10 गाड़ी का नंबर भी आपको मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और वही चीज हम बोले कि हम आपको बोल रहे हैं सर 30,000 रुपये सर हर महीना देंगे, और कल हम आपको पहला दे देंगे और फिर हर महीना का 10 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं जो है सर खुल के बोले, आपका छोटा भाई हम कमाएंगे इसीलिए सर हम बोले कि गाड़ी 6 महीना से खड़ा है सर, टैक्स भरने का पैसा नहीं है, 110 रुपये पॉकेट में नहीं रहता सर। हमको कोई इशू नहीं है, जो देता है लेता है, नहीं देता हम ये नहीं सर, आपके बिना परमिशन का आप माइनिंग का इसलिए बोले सर क्योंकि हम कल को नहीं चाहते कि सर आप, हम चलान के भी चल रहे लेकिन आप जान रहे सर क्या चीज है क्या नहीं है, आपसे कोई चीज छुपा हुआ नहीं है सर। हेलो कोई भी, लेकिन ये भी चीज बता रहे हैं, कोई भी ड्राइवर को अगर बोलता है कहाँ से उठाया था, हटिंग वाले से उठाया है। हाँ हटिंग वाले से उठाया बोलेंगे वे। हाँ ठीक है ठीक है, ड्राइवर सब ड्राइवर, सब ड्राइवर को एक बार जगह दिखा दो कहाँ से उठाया है। ठीक है कहाँ से उठा रहे हैं, सब ड्राइवर को एक बार जगह दिखा देंगे ना। हाँ ठीक है, और ये बात जो लीक आउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर मेरा तरफ से किसी को लीक आउट नहीं होगा सर, और अपना आपको जो बोल दिया सर, लेकिन कल को 19-20 कुछ भी होता है सर तो अगर आप, अगर मान लीजिए हम लोग सब जगह सर पैसा हम लोग दे रहे हैं सर, एक जगह भी ऐसा नहीं, कोई थाना नहीं बचा है ना, और गोलकेरा का मतलब गोलकेरा में BDO सर को भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। हेलो नहीं वो तुम लोग क्या कर रहे कर रहे, हमको कोई छेड़ नहीं है। नहीं 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 इसलिए बोले कि कल को अगर कुछ होता है तो 19-20 भी तो आपको सर इतना ही करना कि सर आके अगर केस नहीं करना गाड़ी में सर, इतना ही इसलिए, बस इसीलिए सर हम बोले सर। इस बातचीत से आप क्या समझे, खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव और बालू तस्करों के बीच 10 ट्रक पार करवाने के लिए महीने 30,000 रुपए की डील हुई। अब ये FIR देखिए। यानी 8 सितंबर को मामले में FIR हुई, पर अब खान निरीक्षक कह रहे हैं कि उन्हें तस्कर ब्लैकमेल कर रहा है। 16/19/2020 को FIR हुआ था और उसके बावजूद वो उसमें आया हुआ था और उसके बावजूद उसके फिर कुछ महीने बाद में ये फिर 5 ट्रक के ऊपर FIR हुआ, तो उसी के लिए ये के चलते ही ये लोग मतलब बात करके ब्लैकमेलिंग के लिए रिकॉर्डिंग करके ये कर रहा था, और वैसा कुछ नहीं है ना किसी से मेरा उस मैटर पर। तो अब सवाल है कि क्या फोन पर डील नहीं हुई थी, क्या ये ऑडियो खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव का नहीं है, क्या उन्होंने 30,000 रुपए महीने पर हामी नहीं भरी, खान निरीक्षक ने अपने सुर क्यों बदले, क्या खान निरीक्षक साहब पाक साफ हैं? हाँ बोल रहे थे, बोले आप फोन करेंगे, बोले तो अपने ही किताब बोले कॉल कर लेंगे,